तो स्वागत है भाई सभी का लुगानो के नए पार्ट में। और पहले हमने लुगानो तक का रास्ता देखा, उसके बाद हमने लुगानो सिटी देखी, और अभी हम भाई 2-3 मिनट के मार्जिन में ना लुगानो के लिए जो एक क्रूज़ निकलना था फेरी वो ली। हालांकि मैं इन्फॉर्मेशन सेंटर पे गया था तो वहाँ पे बात की थी, वहाँ पूछा कि भाई इसका टिकट क्या है, तो उन्होंने कहा 32-34 यूरो का है। फिर भैया ने कहा कि भाई एक बार पूछ लो कि ये स्विस पास में आता है कि नहीं। तो भाई फाइनली हमने जो स्विस पास लिया है ना, अगर लुगानो आओ तो यहाँ पे ना स्विस पास में ये क्रूज़ राइड भी कर सकते हो। 1 घंटे 20 मिनट की भी होती है, 2 घंटे की भी होती है। तो हम भाई दिन तक आए, हमने कहा भाई 1-1.5 घंटा क्रूज़ राइड करते हैं, फेरी का मज़ा लेते हैं और फिर अपना ट्रेन पकड़ के दिन में दोपहर के समय निकल जाएंगे वापस। तो क्रूज़ में आ चुके हैं, फेरी में आ चुके हैं और यहाँ पे पूरी अपनी लुगानो की जो लेक है, पीछे पहाड़ और व्यू है वो दिख रहा है। तो अब ये जो नज़ारा है ना, मैंने तो बात कर ली थोड़ी, अब नज़ारा दिखाते हैं जो पार्ट का एक और मुद्दा है। ये देखो भाई, अभी एक स्टॉप पे रुकी है, यहाँ पे पूरा ये व्यू है, ऐसे अलग अलग बोट या शिप कह सकते हैं वो चल रहे हैं। और यहाँ पे देखो भाई पूरा पहाड़, और थोड़ा अगर जूम इन करूँ तो पहाड़ पे घर वगैरह भी हैं, और थोड़ा जूम इन आई गेस कर सकते हैं। ये देखो भाई मस्त नज़ारा एकदम, काफ़ी सही बादल वगैरह भी दिखते हुए, वाह। और यहाँ पे अपने स्विट्ज़रलैंड का भी झंडा लगा हुआ है भाई, बहुत ही सुंदर व्यू। और हमारा जो क्रूज़ है, फेरी कह सकते हैं, वो चल चुका है भाई, दिख रहा होगा पीछे अपना स्विट्ज़रलैंड का झंडा लगा हुआ है। आता तो स्विट्ज़रलैंड में ही है लेकिन इटालियन सिटी जैसा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। और अब हम भी थोड़ा ना पहले ये दिखाते हैं आगे। तो देखो अभी तो हम थोड़ा ऊपर आए हुए हैं और ऊपर भी ज़रा अपनी बैठने की जगह बनी हुई है यहाँ पे। और यहाँ भी हम नीचे थे, यहाँ से अभी हम थोड़ा ऊपर आ गए, यहाँ भी थोड़ा बैठने की जो है व्यवस्था है। तो ये सबसे ऊपर वाला व्यू है जहाँ से बैठ के अपन नज़ारे देख सकते हैं थोड़ा। तो भाई जैसे ऊपर का हिस्सा दिखाया ना, मैं सोच रहा था एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर व्यू तो दिखाएंगे ही थोड़ा। पर ये देखो जैसे नीचे भी यहाँ पे ना, मैं ऊपर से भी सीढ़ियों से नीचे आया, ये यहाँ से सीढ़ियाँ आती हैं और यहाँ से ये देखो यहाँ नीचे भी अपनी मस्त बैठने की जगह है। तो अगर चिल करना है थोड़ा मतलब अलग टाइप का, तो यहाँ भी बैठ के अपना भाई नज़ारा देख सकते हैं मस्त। और यहाँ से अगर बाहर चलें तो देखो यहाँ साइड में भी आ सकते हैं, बढ़िया मस्त नज़ारा देखने। देखो जैसे अलग अलग घर ब्रिज भी दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो देखो एक ये है कि यहाँ आगे भी जाके बैठ सकते हो, तो आगे चले जाओ, यहाँ अंदर सोफे में बैठ जाओ, उधर से क्रॉस करके यहाँ ऊपर चले जाओ। तो अलग अलग पोजीशन ले लो, जहाँ भी मन करे मज़ा आए वहाँ जाके बैठ जाओ। जैसे अभी अनाउंसमेंट हुआ तो ये पता है क्या, एक स्टॉप आ गया। तो ये देखो हॉर्न बजा, यहाँ बीच बीच में ना जैसे घर हैं या कह सकते हैं छोटे विलेज भी कह सकते हैं, प्लेसेस कह सकते हैं, जो स्टॉप्स होते हैं उन स्टॉप्स में आके यहाँ पे जो जो फेरी है या क्रूज़ है वो आके रुकता है। तो जिन लोगों को उतरना है उनका डेली ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है, तो वो लोग आके उतर भी जाते हैं। और हम तो भाई एक पूरा राउंड ट्रिप ले रहे हैं, तो 1-1.5 घंटे जितना भी समय लगेगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। और अब जो है ये इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होता है और हम यहाँ पे राइड भी ले सकते हैं, स्विस पास है तो फ्री में भी ले सकते हैं, मतलब इंक्लूडेड होता है। तो अब हम जो है ना थोड़ा ऊपर चलते हैं और नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि अब ये स्टॉप पे रुकी है, इसके बाद चलेगी। तो अब यहाँ के थोड़े नज़ारे देखो म्यूज़िक के साथ।
तो आई होप क्रूज़ का रास्ता और फेरी का जो रूट है वो देख के मज़ा आया होगा। और अभी हम बाहर आ गए हैं और पीछे गलियां देखो भाई, बढ़िया एकदम, ये देखो बढ़िया एकदम, यहाँ पे शोरूम्स वगैरह हैं। हम थोड़ा आए थे ऐसे, थोड़ा गली चेक करते हैं और अब आगे चलते हैं अपना हॉप वन ऑफ की ओर। तो भाई ऊपर आ गए अपना, जहाँ से लिफ्ट ली थी लिफ्ट पकड़ के, और अब चलते हैं ऊपर। तो यहाँ से आए भाई, और यहाँ से वैसे सीढ़ी से भी जा सकते हैं या तो ऐसे भी जा सकते हैं। यहाँ पे अपनी एक ट्रेन दिख रही है, इससे भी अपना हॉप वन ऑफ तक ऊपर जा सकते हैं। तो भाई वहाँ से फर्नाकुलर पकड़ के हम यहाँ हॉप वन ऑफ पे ही आ गए सीधा, और अब ऊपर जा रहे हैं। और वो पिज्ज़ा स्लाइस खा के अभी हम रेलवे स्टेशन आ चुके हैं और हमारी ट्रेन भी आ गई है। ये देखो भाई बस इसी में जाना है। और फाइनली अपना, आई होप रास्ता देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत जो एक सनसेट टाइप का दिखा है भाई, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब हम अपना वापस ज्यूरिख पहुंच चुके हैं। आई होप देख के मज़ा आया होगा क्रूज़ राइड। और लुगानो से हम लौट चुके हैं, और ये वाला जो व्लॉग है वो यही ख़त्म करते हैं। और बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते, चलो नए व्लॉग में मिलेंगे।